जी जी देखिए फिल्म बहुत अच्छी है और राजीव जी जैसा कि आप देख सकते हैं उन्होंने पहले बहुत सारी फिल्में की हैं और बहुत अच्छा डायरेक्शन किया है। और दूसरी बात ये कि राहुल ने बहुत अच्छा काम किया है, बहुत अच्छा प्ले किया है और स्क्रीन प्ले बहुत अच्छा है और जो लड़की हैं उन्होंने भी बहुत अच्छा काम किया। तो दो ही एक्टर हैं इसमें जिनका जो है वो लंबा काम है, बहुत अच्छा काम किया राहुल ने जो है बहुत मेहनत की है और एक एक सीन में सर ने राजीव सर ने काफ़ी डिटेल से काम किया है और मेरे हिसाब से ये पिक्चर लोगों को अच्छी लगनी चाहिए और लोगों को इस पिक्चर को देखनी चाहिए। स्टोरी देखिए चूँकि कहानी एक घर की है एक रात की है तो स्टोरी में कोई बहुत ज़्यादा बाहर तो जा नहीं सकते तो वहीं जो है वो खेलना है, वो स्क्रीन प्ले का कमाल है उसमें अच्छा है खेलना है तो वो हिसाब से है। कहानी तो कुछ बहुत ज़्यादा है नहीं क्योंकि कहानी एक घर की है तो उसमें ज़्यादा कहीं जा ही नहीं सकते जी। बहुत अच्छा है, बहुत डिटेलिंग काम किया राजीव जी ने और काफ़ी अच्छा स्क्रीन प्ले भी है, शूट भी अच्छा किया, अच्छा है। मैं तो 5 में से 5 दूंगा जी बिल्कुल। फिल्म ये राहुल शर्मा की पहली फिल्म है और बीइंग ए न्यू कमर और पहली फिल्म के हिसाब से उन्होंने बहुत बेहतरीन एक्टिंग की है और कुछ फिल्में कमी होती हैं जिसमें आर्टिस्ट के ऊपर ही सारा दारमदार होता है तो इसमें सिर्फ 2 कैरेक्टर्स हैं और वो 2 कैरेक्टर के परफॉर्मेंस के ऊपर ही पूरी फिल्म है। ऐसे फिल्म में बहुत से कैरेक्टर्स होते हैं, बहुत से लोकेशंस होते हैं, बहुत सी बातें होती हैं जो ऑडियंस को होल्ड करती हैं। इस फिल्म में सबसे खूबसूरत बात मुझे ये लगी कि 2 आर्टिस्टों के ऊपर पूरी फिल्म और पूरी फिल्म उन्होंने अपने परफॉर्मेंस से होल्डिंग रखा है तो ये पार्ट बहुत अच्छा लगा। फिल्म का म्यूज़िक बहुत ज़बरदस्त है, फिल्म का डायरेक्शन पॉइंट बहुत अच्छा है। हाँ तो यही बहुत बड़ी बात हो जाती है जैसे मैं आपको बोला कि वेरिएशंस जहाँ पे होते हैं, लोकेशन वेरिएशन, आर्टिस्ट वेरिएशंस जब होते हैं तो कोई भी कर लेता है पर जहाँ पे पूरी एक बिल्डिंग के अंदर 1 नाइट की पूरी स्टोरी है और अपने ऑडियंस को पूरा बांध के आपको रखना है ताकि वो उठे नहीं तो ये बहुत चैलेंजिंग हो जाता है कि आप अपने शॉट्स के डिवीज़न ऐसे करें, आप अपने शॉट्स में मूवमेंट ऐसे रखें, ग्रिप ऐसा रखें, डायलॉग्स ऐसे रखें कि क्रिस्पी और एडिटिंग ऐसी खूबसूरत रखें कि लोग उसे उबे नहीं और वो हर पल अपने अपने आप को वहाँ पे बंधा हुआ महसूस करें। नहीं मुझे कुछ ऐसा नहीं लगा और जहाँ तक ये सस्पेंस वाली फिल्में होती हैं थोड़ी सी नॉटीनेस होती है तो वहाँ पर वैसे ही आदमी बोर नहीं होता है और जहाँ पे बोर होने वाली भी बात होती है उसको वो सब पहलू काफ़ी आपको एंटरटेनिंग बनाते जाते हैं तो बोरिंग की कहीं बात नहीं थी। देखिए मेरा स्टार देना चूँकि मैं घर का आदमी हूँ और मैं बाबा मोशन पिक्चर्स प्राइवेट लिमिटेड का वेल विशर हूँ, राहुल का वेल विशर हूँ तो ये इस तौर पे नहीं कि मैं उनका वेल विशर हूँ तो उनको क्या स्टार देता हूँ, बट बीइंग ए न्यू कमर उस लड़के के लिए मेरी ऑल द बेस्ट है और बहुत अच्छा परफॉर्म किया है राहुल शर्मा ने, याशिका कपूर ने, तो मेरे तरफ से तो हम लोग जो भी स्टार दे दें, 4 स्टार दे दें, 5 स्टार दे दें, सारे स्टार हम तो 5 से 5 स्टार देना चाहेंगे और एज ए ऑडियंस बिल्कुल मैं 4 स्टार दूँगा और बहुत अच्छी लगी मुझे। जिस जॉनर की फिल्म है उस जॉनर के हिसाब से बहुत बढ़िया लगी मुझे, बहुत अच्छी। बहुत अच्छी फिल्म है, बहुत मतलब एक कम कास्ट की एक रात की स्टोरी को किस तरीके से राहुल ने उसको कैरी किया है और निश्चित तौर पर याशिका ने भी उसको काफ़ी अच्छे तरीके से अपने अभिनय के माध्यम से उसको कैरी किया है तो ओवरऑल एक रात की कहानी और जिस तरीके का सिनेमेटोग्राफी है बहुत खूबसूरत है, उसमें इसमें कोई दो राय नहीं है। छोटी सी स्टोरी को एक अच्छे तरीके से प्रेजेंट करने का पूरा प्रयास किया गया है। म्यूज़िक अच्छा है और अपनी क्या नाम है स्वाति ने बहुत अच्छा गाया है, पहला गाना है वो तो बहुत अच्छा गाया है और इसमें मेल सिंगर हैं मेरे ख्याल में नेगी हैं क्योंकि मुझे ऐसा लगा, अच्छा गाया है उन्होंने, दोनों को पिक्चराइजेशन बहुत अच्छा हुआ है और डायरेक्शन अच्छा है। ओवरऑल फिल्म अगर हम देख रहे हैं और पूरा अगर एक
तीन एक्टरों की कहानी को किस तरीके से उन्होंने सारे ऑडियंस को बांध के रखा है, सस्पेंस को बांध के रखा है और अंत में सिर्फ एक फैंटेसी को एक कैरी किया है, तो अच्छा लगा होगा, बहुत अच्छा लगा। मेरे हिसाब से तो 5 मिलना चाहिए, क्योंकि इतनी इतनी छोटी स्टोरी को इतने अच्छे तरीके से आगे ले जाना, मेरे हिसाब से 5 तो देना चाहिए। मतलब जस्टिफिकेशन यही कहता है कि उनको 5 मिलना चाहिए। थैंक यू वेरी मच। इट वॉज अनएक्सपेक्टेड, यू नो, यूजुअली मैं थ्रिलर्स एंड इस तरह की मूवीज पसंद नहीं करता हूँ, बट आई केम विद माई फ्रेंड्स एंड ऑल, लिटरली इट वॉज टू अमेजिंग। अगर आप लोग देखेंगे कि अगर आप लोग ऐसे जज करेंगे कि न्यू कमर्स की है, देन डोंट जज इट, ओके? वंस यू वॉच इट यू लव इट लिटरली। न्यू कमर्स का काम, आप काम देख के न्यू कमर्स आपको वो लगेंगे ही नहीं। हमें लाइक उन लोगों ने जिस दोनों ने जिस तरह से काम किया है, दैट वॉज अमेजिंग, यू नो। म्यूज़िक उसके ऑलरेडी आउट हैं, जो ऑलरेडी काफ़ी हाइप हो चुके हैं, वो तो सबको पता ही है। एंड सिनेमाटोग्राफी की बात करें तो काफ़ी अच्छी है, एंड सस्पेंस वगैरह, आई जस्ट लव इट, यू नो। राजीव रुइया से उनकी पहले की भी मूवीज़ भी अच्छी हैं, और ये वाली तो अनएक्सपेक्टेड थी। जो पहले उनकी जो ओ माई फ्रेंड गणेशा वगैरह है, उसको देख के अगर कोई इसे जज करेगा कि इट वॉज डिफरेंट जॉनर, ओके, लोग आई एम श्योर कि लोग पसंद करेंगे अगर एक बार देखेंगे तो। वन रीज़न, एक इसका सिर्फ एक रीज़न नहीं, एक्चुअली काफ़ी सारे रीज़न्स हैं। इसका सस्पेंस आपको इतना पकड़ के रखेगा कि आप लोग स्क्रीन से उठेंगे नहीं। जो आप लोग बीच बीच में अगर कोई भी पॉपकॉर्न वगैरह खाने उठता है ना, वो लोग की याद ही नहीं आएगी, और आपको इतना अंदर तक हिला देगा ना स्टोरी वगैरह, टच ये साइको, कि आप लोग को अंदर तक झंझोड़ देगा लिटरली। I'll give 4.5. बहुत अच्छा है। अच्छी बात यह है कि फिल्म शुरू से लेकर लास्ट तक टाइट है और बंधी हुई फिल्म है। ओके, जैसे कि अभी तक हमने जितना जाना है सबसे, और सबने यही कहा है कि वो एक छोटी स्टोरी है, एक घर में स्टोरी दिखाई गई है, जिसका डायरेक्शन करना बहुत ही मुश्किल है। तो डायरेक्शन के बारे में क्या कहना चाहिए? बहुत ही राजीव रुइया सर ने कमाल के डायरेक्शन किए, और ख़ास बात यह है कि फ्रेश स्टार कास्ट के साथ इतनी बेहतरीन फिल्म बनाना कम बजट में, ये बड़ी बात है। और एक ख़ास बात है कि फिल्म बिगनिंग से लेकर लास्ट तक ऑडियंस को बांधे रखती है, कमाल का सस्पेंस है, स्क्रीन प्ले का कोई जवाब ही नहीं, सिनेमाटोग्राफी लाजवाब है। फिल्म यूथ को बहुत पसंद आएगी, और बहुत ही टाइट है, म्यूज़िक बहुत अच्छा है, तो ओवरऑल फिल्म कमाल है, सबको पसंद आने वाली है। 5 स्टार। थैंक यू। एक्सट्रीम मूवी मैंने ट्रेलर जैसे देखा था, आई वाज सुपर एक्साइटेड, बिकॉज मुझे थ्रिलर और रोमांटिक कुछ ऐसी मूवीज़, आई लव दैट काइंड ऑफ मूवीज़, एंड आई वाज वेरी एक्साइटेड कि मुझे एनी हाउ देखना है, एंड आई वाज इंकरेजिंग माय फ्रेंड्स आल्सो, लाइक दिस मूवी इज़ कमिंग ऑन दिस डेट एंड यू हैव टू बी देयर। सो मूवी इज़ फैंटाबुलस, इट्स अमेजिंग, एंड द पीपल हु आर सीकिंग फॉर द लाइक thriller and something like out of the box, like because I was waiting for a movie that comes in the Bollywood jo jisme ki kuch aisa dono cheeze ho rahi hain, like thriller and romance kuch kind of, and jo ek madness dikhai hai ek ladke ki, that is superbly amazing, so I liked it very much. As per like if agar dekha jaye ki starting basis pe bahut, I have seen like so a lot of movies in the Bollywood, like but the level in logo ka hai, that is superbly amazing, they acted so well, and even the both the Rahul and the actress, she done a fantabulous job. What about direction in the music department? Like, see, it's a story just for the case, just in a house and kind of something, so it is well directed and superbly like directed, because when you have a limited area and concerned about those things, so it is amazingly worked. Okay, onto that audience, because it's superbly amazing, and being an audience, I'm like suggesting this thing, like it has done a they have done a fab job, so they should go. Yeah, and I'll see, definitely 5/5, and I can give 10 also. Great, thank yeah, thank you.